नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आज बात करेंगे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पे निशाना साधा है और अमित शाह को डायरेक्ट जो है चुनौती दी है कि आपने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने आपत्ति जताई है और क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको एक एक कर बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा से जुड़ी जितने तमाम सवाल थे उन तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दे दिया है। अब विपक्ष के पास अगर कोई आशंकाएं हैं, अभी भी कोई सवाल है, तो मुझे लगता है कि अमित शाह आराम से उसका जवाब दे देंगे, क्योंकि कल उन्होंने कह दिया कि दिल्ली पुलिस पे लगातार सवाल उठ रहे थे। तो उन्होंने कहा, और लगातार दिल्ली पुलिस की बहुत सारे वीडियो ऐसे आए थे जिनमें वो पत्थर चला रहे थे, जिनमें वो गोली चला रहे थे, तो लोगों के मन में जो है सवाल आ रहा था। और कई ऐसे वीडियो है जिसमें दिल्ली पुलिस जो है पत्थरबाजों का सपोर्ट कर रहे थे, खुद भी पत्थर चला रहे थे, ये आरोप लग रहे थे दिल्ली पुलिस पे। लेकिन कल देश के गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने पत्थर चलाई है, लेकिन वो अपने बचाव में चलाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी पत्थरबाज का जो है समर्थन कर रहे थे। और ये जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो गोली चला रहे थे, तो ऐसा नहीं है, वो गोली बिल्कुल नहीं चला रहे थे। ये जो आरोप है या ये जो बात है कही गई है, ये बिल्कुल झूठ और अफवाह है। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जो है डायरेक्ट अमित शाह पे निशाना साधा और तरातर वो अपने जो विभाग तरीके से अपनी बात को रखते हैं वो रखना उन्होंने शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि मुझे पता है इस हिंसा में जितने भी लोग मारे गए हैं उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला है, और सिर्फ एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाएगा, वो है सिर्फ मुस्लिम, जैसे कि अभी तक ताहिर हुसैन को पकड़ा गया है। तो उन्होंने अपने एक समुदाय के लोगों को लेकर अमित शाह से जो है चुनौती रखा है और उनसे सवाल पूछा है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज के देश की जो कानून बनी है वो सिर्फ सरकार के इशारों पे चल रही है और वो किसी भी सूरत में जो है किसी आम लोगों को न्याय नहीं दिला सकती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि वैसे भी अमित शाह भी लगातार जो है दिल्ली पुलिस को डिफेंड करते रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, करते आए हैं उन्होंने, और उन्होंने दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे वक्त में कम समय में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की हिंसा पे जो है काबू पा लिया है, कंट्रोल पा लिया, तो दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया उन्हें, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, उन्हें डांटा भी है कि आपने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा, ऐसे नेताओं पे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए उस पे आपने क्यों नहीं FIR दर्ज किया। और उसके बाद जो है आप जानते हैं मुरलीधरन का जो है तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद भी उन पे भी लगातार सवाल आते रहे। लेकिन इस बीच अभी भी यही है कि आखिर जो लोग मारे गए हैं, जिन मासूम की जाने गई हैं, जिनके परिवार ख़त्म हो गए हैं, जिनके रोजगार के संसाधन ख़त्म हो गए हैं, जिनके स्रोत ख़त्म हो गए हैं, क्या उन्हें न्याय मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी ऐसे भी हालात में हम लोगों को एक भारत का नागरिक होते हुए हमें देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। न्याय जरूर मिलता है, भले उसमें वक्त होता है। इसीलिए कहा जाता है देश में अंधेर है, दुनिया में जो है देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए। जरूर जिन लोगों के परिवार के घर से जिन लोगों की मौत हुई है उनको जरूर जो है न्याय मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।